पिछले चार साल से मोदी सरकार जब सत्ता में आई थी तो उन्होंने वादा किया था कि हम 2 करोड़ युवा लोगों को जॉब देंगे, रोजगार देंगे, लेकिन पिछले 4 साल से हम देख रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ जुमलेबाजी है और लोगों पर तरह तरह के टैक्स लगा के लोगों को परेशान किया जाए, युवा को परेशान किया जाए। उसी के लिहाज से हमारे पूरे स्टेट में यूथ कांग्रेस की तरफ से पूरे प्रदेश में मोदी गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के प्रोग्राम है। आज आपने जो ज्ञापन दिया है वो किसको और किस विषय पे दिया है? जो आपने ये ज्ञापन दिया वो मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को दिया कि जो आपने वादा किया था सत्ता में आने से पहले, लोगों को बड़ी बड़ी बातें की थी कि मैं 2 करोड़ रोजगार पैदा करूँगा, पैदा किए जाएंगे, लेकिन आज तक किसी भी ऐसे इतने रोजगार पैदा नहीं है कि देश का युवा घर घर भटक रहा है, अच्छी पढ़ाई। और आप बोल रहे कि आप पकौड़े दलो, ऐसे जुमलेबाजी कर रहे हो, तो उसी के लिए वाय डिप्टी कमिश्नर थ्रू देश के मुख्यमंत्री के थ्रू और देश के प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया। आपका नाम? मैं जगदेव सिंह गागा, पंजाब से, और इस यूथ कांग्रेस का प्रभारी हूँ, हिमाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस का। आपको पुलिस वालों के साथ इसे आप कैसे देखते? ये तो सरासर, देखो भैया, हमारा ये पीसफुल एज ए लालू के हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये हमारा देश एक लोकतंत्र देश है, यहाँ किसी को भी अपनी आवाज़ रखने की हर एक को आज़ादी है। ये पुतला, ये सरासर
वो बात है कि मोदी हमसे युवा से डरता है, पुलिस को आगे करता है, तो पुलिस के जोर पर जो कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि आपकी आवाज़ दबाने की कोशिश की, बिल्कुल आप देख रहे हैं, बिल्कुल दबाने की कोशिश है, देख रही है। मुक्की की गई सर, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की की गई, पुलिस ने जोर जबरदस्ती की और पुतला छीनने में हमारे कार्यकर्ताओं के हाथ में जो पुतले का सभी के हाथों में हुए स्क्रैचेस भी आए हुए हैं। ये युवा कांग्रेस ने आज जो पीसफुल मार्च का आयोजन किया था उसके लिए हमने एडमिनिस्ट्रेशन से ऑलरेडी परमिशन लेके रखी थी, लेकिन हमारे विरोध को, हमारा जो शांतिपूर्वक जो हमारा धरना प्रदर्शन था उसको पुलिस ने जो है जोर जबरदस्ती से जो है दबाने की कोशिश की है, जिसका जो है पूरे हिमाचल प्रदेश का युवा जो है विरोध करता है। और युवा कांग्रेस जो है डरने वाली नहीं है, प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं, गलत नीतियां हैं, उनके खिलाफ जो है हम आवाज़ बुलंद करेंगे और आने वाले दिनों में हमारा जो विरोध प्रदर्शन है और भी उग्र होगा। ये पुलिस ने खुद से तो नहीं किया होगा, किसी के आदेश निर्देश? बिल्कुल, पुलिस तो कठपुतली है, कठपुतली के तौर पर काम कर रही है, दिशा निर्देश तो प्रदेश सरकार की तरफ से इनको दिए जा रहे हैं, जिसकी जो है पूरी युवा कांग्रेस जो है निंदा करती है। और मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता इन पुलिस वालों से और प्रदेश सरकार से डरने वाले नहीं है। आने वाले दिनों में हम प्रदेश प्रभारी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो भी हमें आदेश होंगे उनको लेकर जो है हम सड़कों पर उतरेंगे और इन दमनकारी नीति और गलत नीतियों के खिलाफ जो है हम पूरे जोर से जो है अपनी आवाज बुलंद करेंगे। वर्तमान में जो गाँव के यहाँ से जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, किशन कपूर जी, जयराम ठाकुर जी हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे अपना रुख जो स्पष्ट करें, केंद्रीय विश्वविद्यालय पर उनका क्या रुख है, आईटी पार्क का क्या बन रहा है, उसके लिए इतनी देरी क्यों कर रही है प्रदेश सरकार, जबकि वर्तमान में जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर जी, दिन प्रतिदिन एक दिन फैसला कुछ हो लेते हैं, दूसरे दिन कुछ फैसला हो रहा जाता है, उनको भविष्य में आने वाले टाइम में उनका यू टर्न का मुख्यमंत्री प्रदेश के अंदर जाना जाएगा। और जिस प्रकार की जनविरोधी नीतियाँ लेके ये प्रदेश सरकार आई है, इतना ज़्यादा वो दिन प्रतिदिन जो कहते थे कि हमारी केंद्र में सरकार होगी, प्रदेश में भी हमारी सरकार होगी, कर्ज दिन प्रतिदिन ले रहे हैं, महीने के 500 करोड़ एक बार लिया, 500 करोड़ दूसरी बार लिया, 300 करोड़ एक बार लिया, इतना जो कर्ज वो ले रही हैं, तो कम से कम उनकी केंद्र में अपनी सरकार है, कुछ ना कुछ वो पैकेज लेके आते, ना बेल आउट पैकेज आया, झूठ और झूठ बुनियादी जो पे ये सरकार टिकी हुई है, और भविष्य में जो है इस सरकार का जो अंत शीघ्र ही होगा। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।